हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मिलवाएंगे भैया लोगों से, है ना, हेल्थ के बारे में काफ़ी अच्छा वो सजेस्ट करेंगे आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। हाय करिएगा ऑडियंस को हमारे। हेलो हेलो। तो आप लोग रेगुलर आते हैं स्टेडियम? यस रेगुलर। क्या क्या करते हैं यहाँ आकर? हम लोग जॉगिंग करते हैं, पैदल जी चलते हैं, है ना। हाँ, जॉगिंग करते हैं, पैदल चलते हैं, योगा करते हैं। जी जी, ठीक है। तो बहुत सारे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, आप सभी लोग करें और फिट रहें। जी जी, ओके। तो स्टेडियम आकर कितने राउंड मारते हैं आप? लगभग 10 राउंड तो फाइनल है, करना ही करना है। उसके बाद फिर 10 राउंड, हाँ, अब फिर इसके बाद दौड़ना है, फिर हम लोग की योगा होती है, यानी लगभग 1.5 घंटे का प्रोग्राम रहता है सुबह सुबह। जी जी। तो अगर सभी लोग ऐसा करेंगे तो सभी लोग फिट रहेंगे, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल। तो आज की यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहिए आप? बस यही संदेश दे दिए कि सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, सकारात्मक सोचें और खुद भी फिट रहें और इंडिया को भी फिट करें, फिट इंडिया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भैया अब भी कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, सभी लोगों से एक ही अनुरोध रहेगा कि आप लोग घर से निकलने की आदत डालिए। निकलते तो वैसे भी हैं, लेकिन अपनी हेल्थ के प्रति निकलिए, क्योंकि आजकल बीमारियां जो है ना, ढूंढने नहीं जाना पड़ता, वो अपने आप आ जाती हैं, ठीक है। और ख़ासकर वो लोग, हालांकि हर एज ग्रुप में आजकल ये प्रॉब्लम आ रही है कि किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी की हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी की किडनी प्रॉब्लम हो रही है, कितनी बीमारियाँ बढ़ रही हैं भाई। तो ये हम सिर्फ एक जागरूकता के अभियान, जागरूकता के दौरान अगर हम सिर्फ जागरूक हो जाएं, और आपको देख के आपका परिवार जागरूक हो जाएगा, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, है ना, आपकी फैमिली में एक उत्साह आ जाएगा, जोश आ जाएगा सुबह उठने का। तो मैं सभी से एक ही चीज़ बोलूँगा कि सारे लोग सुबह, मोस्टली सुबह 1 घंटे अपने शरीर को दीजिए। अगर किसी कारण से सुबह आपके पास समय नहीं है तो रात में दीजिए। मैं कई लोगों को यही कहते हुए सुनता हूँ कि यार समय नहीं मिल पाता, बहुत बिजी रहते हैं, क्या बताएं। भाई साहब, एक दिन ये शरीर चला जाना है सभी का, तो थोड़ा सा 1 घंटे इस समय निकाल लीजिए, है ना। जो आपकी काया है, ठीक है, ये माया में मत फंसाए रहिए, इसको मेंटेन करिए थोड़ा सा, जिससे आगे आने वाली जनरेशन भी अच्छी रहे। नहीं तो एक आदमी को शुगर हुआ ना, अभी उसकी शादी नहीं हुई, जब उसका बच्चा होगा तो क्या होगा, उसको भी शुगर होगा, तो ये जनरेशन में चला जाएगा। तो इसलिए अभी से जाग जाइए, अभी से चेत जाइए, नहीं तो डॉक्टर तो लंबे से लेगा, फिर न धन रहेगा न वैभव बचेगा आपका। इसलिए सभी को बोल रहा हूँ कि सारे लोग अपने आप को एक्टिव करिए। ओके जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? भाई साहब ने तो पूरा बड़ा डिटेल से बता दिया। हमारा भी यही कहना है कि यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सुबह नहीं समय मिल रहा है तो शाम को ही कभी भी 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम अपने शरीर के लिए तो देना ही होगा। और जब हम अवेयर होंगे तो हमारे बच्चे भी देख करके होंगे, और हमारा यही समाज के लिए संदेश है। थैंक यू जी। जी थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा संदेश दिया आपने हमारे ऑडियंस को, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसे लगी? पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके।